और दूसरा दिन आज है अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। चार सूत्री मांगे और सरकार का ध्यान खींचने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चेतावनी दी गई है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो ये विरोध प्रदर्शन, ये जो हड़ताल है, ये आंदोलन में भी बदल सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई भी रुख स्पष्ट नहीं है। अगली खबर का रुख करेंगे, कोरोना से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर भोपाल से ही हमें मिल रही है, जहाँ आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 5 महीने में 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अनलॉक 3 में सबसे ज्यादा मौत कोरोना के चलते हुई है, तो हर दिन 650 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। ये एक राहत की बात है, लेकिन कहर भी लगातार जारी है और 5 महीने में 1000 से ज्यादा मौत कोरोना के चलते हो चुकी है। और सीधे रुख करेंगे, आशीष जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, एक तरफ राहत की खबर भी कोरोना से निकलकर आ रही है कि हर दिन 650 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं, जंग जीत रहे हैं कोरोना से, लेकिन ये भी चिंताजनक बात है कि राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 5 महीने में 1000 से ज्यादा मौतें कोरोना से होना बेहद चिंताजनक है। निश्चित तौर पर अजया, 5 महीने में 1000 से ज्यादा मौत मध्य प्रदेश में होना चिंताजनक है। हम सबसे पहले आंकड़ों की बात करें तो राजधानी भोपाल में सोमवार को 117 नए पॉजिटिव मरीज कोरोना के मिले हैं और 6 मरीजों के मौत होने की जानकारी मिली है। प्रदेश भर में सोमवार को 866 संक्रमित मरीज मिले हैं और वहीं एक दिन में 19 मौत का आंकड़ा निकलकर सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि रिकवरी रेट 74.38 है, लेकिन जो एक दिन में तकरीबन 800 से ज्यादा केस निकलकर सामने आ रहे हैं, तो राहत भरी खबर यह है कि तकरीबन 650 से 700 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये खड़ा होता है कि कोरोना के लिए सरकार पिछले 23 मार्च से, जब से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता संभाली है, लगातार कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है, प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है, अलग अलग स्तर पर लॉकडाउन भी रहा। अब प्रदेश में रविवार के दिन टोटल लॉकडाउन किया गया है, लेकिन उसके बाद भी आखिर क्यों कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है? इसका साफ तौर पर कारण एक जो सरकार के नुमाइंदे, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, वो ये बता रहे हैं कि एक दिन में तकरीबन 17,700, जैसे रविवार को 17,700 टेस्ट किए गए थे, इसी तरह से 16,000 से 17,000 के बीच में टेस्ट किए जा रहे हैं, तो टेस्ट ज्यादा होने पर पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज्यादा निकलकर सामने आ रही है। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने कल ही समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दे दिए थे कि तकरीबन 20,000 टेस्ट तक ये संख्या को ले जाना है, ताकि एक दिन में 20,000 लोगों के टेस्ट किए जा सके जो टेस्ट कराने पहुंच रहे हैं। यदि ये कराए जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आंकड़े और बढ़ेंगे, लेकिन कोरोना को लेकर, कोरोना के कहर को लेकर ये बात साफ जाहिर है कि जब तक आम व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तब तक इससे निपटना बेहद मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन अपने स्तर पर तमाम इंतजाम कर रहा है, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती है, कोविड-19 अस्पतालों की संख्या में लगातार इजाफा किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन बेड बढ़ाए जा रहे हैं, वेंटिलेटर की सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में यदि आम व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से नहीं बचेगा, सोशल डिस्टेंसिंग की नहीं अपनाएगा, तो ये कोरोना से निपटना बेहद मुश्किल होगा। बिल्कुल, कोरोना से निपटना बेहद मुश्किल होगा। और अब तो लगभग आशीष जी 4 से 5 महीने हो चुके हैं, रोजाना यही अपील सरकार और प्रशासन की तरफ से की जा रही है जब से हम कोरोना से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों में उतनी जागरूकता दिखाई नहीं दे रही है जितनी इस संकट काल में होनी चाहिए। मैं लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष जी तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और तमाम खबरों पर बात करने के लिए।